खिचड़ी। प्रसन्न कुमार, प्रसन्न कुमार, हेलो हेलो, क्या हुआ है आपको? चिकनगुनिया। ओ, बहुत ज्यादा चिकन नहीं खाना चाहिए। चिकनगुनिया चिकन खाने से नहीं होता, तो मच्छर से होता है। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा मच्छर खाते थे आप? भाई साहब, चिकनगुनिया मच्छर खाने से भी नहीं होता। तो क्या खाने से होता है? काटने से होता है। किसको काटा आपने? मैंने नहीं, मच्छर ने मुझे काटा। आपको पता है, मुझे तो एक बार हिप्पोपोटामस ने काटा था। अफ्रीका में? सपने में। आपको मच्छर ने सच में काटा था या सपने में? अगर मच्छर ने मुझे सपने में काटा होता तो क्या मुझे ऐसे सच्ची में सांस लेने में तकलीफ होती? देखिए, ऑक्सीजन ले रहा हूँ। मुझे लगा आप हुक्का पी रहे हैं। बुड़ 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 बुड़। अरे हॉस्पिटल में ऐसे हुक्का पिटाना उड़ा रहा है क्या भाई साहब? लाइसेंस लेना पड़ता है आजकल तो। लाइसेंस का सवाल नहीं उठता यहाँ पे। अलार्म बजा, आप बंद कीजिए, बंद कीजिए। आप जाग रहे हैं फिर भी अलार्म बज रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है मेरा भाई साहब। हाँ तो जाके आइए, जाके आइए। इस तरह रोके रखना अच्छी बात नहीं है, जाके आइए, जाओ भाई साहब। ब्लड प्रेशर और पल्स रेट बढ़ गया है। पल्स रेट बढ़ गया है? हमारे बनिए की दुकान में भी पल्स रेट बढ़ गया है। हाँ, राजमा 180 रुपए किलो। मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है। लेकिन अभी अभी तो आपने मुझे बताया कि आपको चिकनगुनिया हुआ है। इतना झूठ बोलते हुए आपको शर्म नहीं आती? डॉक्टर, ये देखो झूठ बोल रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप? छत पे जा रहा हूँ भाई साहब, कूदने। हाँ हाँ, तो ये मशीन क्यों ले जा रहे हो? टूट जाएगा, आप गिरेंगे। डॉक्टर क्या? डॉक्टर साहब ये देखिए। नहीं नहीं, प्रफुल को हम हॉस्पिटल में नहीं रख सकते। अरे उनकी वजह से मेरे 3 पेशेंट जो बगल वाले बेड पे थे भाग गए। मेरी 2 नर्सों ने खिड़की से कूदकर जान दे दी। एक तो हॉस्पिटल का स्टाफ पहले ही कम है, ऊपर से और कम होता जा रहा है। ये देखिए, मेरी फेवरेट नर्स भी पागल हो गई। अरे मैं समझाता हूँ प्रफुल्ल को, मैं समझाता हूँ। मैं उसके पास ही रहूंगा बस, लेकिन निकालना मत प्रफुल्ल को। प्रफुल्ल, मेरे प्रफुल्ल, हाउ आर? बड़ी बहन, ये लीजिए, थोड़े पकोड़े खा लीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा। और मैं कैसे खाऊं हिमांशु, इसमें चटनी नहीं है भाई साहब। एक मिनट, ये केचप देता हूँ आपको। अरे 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 अरे, ये केचप नहीं, खून है। कंजूस, तू बहुत बदल गई है जयश्री। नहीं नहीं, मैंने चटनी बना के रखी थी ग्लूकोज की बोतल में। तो कहाँ है अब वो? अरे वो डॉक्टर तिलोत्तमा धकधके, उसने वो चटनी की बोतल मरीज को चढ़ा दी। वो देखो। कांप क्यों रही हो? चटनी में इमली थोड़ी ज्यादा पड़ गई थी इसलिए। तू एकदम लापरवाह हो गई हो जयश्री। चुप करो, डॉक्टर तिलोत्तमा धकधके कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। आई एम लव। बाबूजी, ए बाबूजी, तिलोत्तमा। हेलो, हाउ आर? खाना खा के जाना हो। डॉक्टर, रिपोर्ट्स आए हैं। हाँ, रिपोर्ट्स तो यहाँ है, ये रही, लेकिन बहुत खराब है। क्या? हाँ, मैच में 100 में से 45। अच्छा, डॉक्टर का बेटा साइंस में फेल। हाय लॉर्ड, प्रफुल्ल, साइंस मतलब? नहीं तूने धकधके, मैं हूँ ना, मैं समझाता हूँ उनसा को। साइंस उनसा,
अरे वो फिल्मों की शूटिंग में वो निर्देशक बार बार लोगों को शांत करने के लिए क्या चिल्लाता है, साइंस साइंस साइंस। प्रफुल, साइंस नहीं, साइलेंस साइलेंस। इसे कुछ भी मत बोलो तू डॉक्टर। साइलेंस मतलब तो जो योगी था अपने बेटे के बारे में कहती है, वो कहती है मेरा बेटा साइल आजकल चश्मे नहीं पहनता, अब साइलेंस पहनता है। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। डॉक्टर आपके बेटे की रिपोर्ट्स नहीं, प्रफुल की रिपोर्ट्स आई हैं या नहीं? ओ प्रफुल, प्रफुल के रिपोर्ट्स बहुत खराब है। इनके पैर में ना स्टील प्लेट डालनी पड़ेगी और उसके लिए 12 लाख का खर्चा होगा। 12 लाख? ये देखिए धक-धके। जैसी बहन तो 60 रुपए में लेके आई है स्टील की प्लेट बोरीवली स्टेशन से। हाँ, लेकिन ये प्लेट मैं प्रफुल के पैर में नहीं डाल सकती। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी है। ऐसे फापड़ के से लबे लबे टुकड़े करके डाल दीजिए ना, किसी को पता नहीं चलेगा। ओ धकधके, कुछ भी कर, अरे स्टील एल्यूमिनियम पीतल तांबा सोना कुछ भी, हांडी बर्तन थाली चमची डाल, लेकिन हमारे प्रफुल भैया को जल्दी से चलता कर। अरे हमें डिसोसा की पार्टी में बुलाया है। क्या? जाना है हमें। हमें? हाँ। लेकिन जयश्री हमें तो कोई मैयत में भी नहीं बुलाता। याद है वो संजू के दादा की मैयत में हम हंसा को ढूंढते हुए पहुंच गए थे। अरे संजू, ओ संजू, मेरी हंसा को देखा? ये क्या व्हाइट एंड व्हाइट होली खेल रहे हो? मेरे दादाजी की अंतिम यात्रा की तैयारियां चल रही है। वो गुजर चुके हैं, अर्थी पर है, फूलों का हार पहना है, तो गुजर ही चुके होंगे ना। मर गए, ऐसा जरूरी नहीं है, फूलों का हार तो मैंने भी पहना था मेरी शादी के दिन, है ना, है ना? अच्छा हा? लेकिन इन्होंने हार खुद नहीं पहना, इनको पहनाया गया है। ए तो जीजा जी ने भी खुद नहीं पहना था, इनको भी पहनाया गया था बड़ी बहन के हाथों। आपकी बड़ी बहन ने इनको हार पहनाया था तब ये लेटे हुए थे? नहीं, लेटे हुए तो मेरे बाबूजी थे। ये लेटे हुए थे मेरे पैरों में, तेरे पैर पकड़ कर वो मुझे कह रहे थे कि प्रफुल तेरी बकवास बंद कर, मुश्किल से तेरी शादी हो रही है, शादी कर ले, ऐसा कह रहे थे मुझे। मैं तो खड़ा था, है ना, है ना, है ना? Exactly. आप खड़े थे ना, लेकिन मेरे दादाजी लेटे हुए हैं। क्यों? अरे ऐसे क्यों कर रहे हैं तुम्हारे दादाजी शादी? What's this? अभी इस उम्र में? अरे वो शादी नहीं कर रहे, वो गुजर चुके हैं। हाँ तो वही तो पूछा था जिज्जा जी ने कि वो गुजर चुके हैं, तब हाँ क्यों नहीं बोला आपने? ऐसे वक्त पे कोई टाइम पास करता है? मेरी 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 गलती है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब कृपा करके आप यहाँ से दफा हो जाएंगे? मुझे शमशान जाना है दादाजी को लेकर। हाँ पता है, लेकिन इस बार सचमुच बुलाया है हमें पार्टी में। और वो भी फैंसी ड्रेस पहन के। फैंसी ड्रेस? ए तो फिर है ना, ए, ए मैं डॉक्टर बन के जाऊंगी, मुझे आता है। ए डॉक्टर इधर वो खून देना। अरे खून देना हो। ए, मैं दिखाती हूँ सबको, मैं दिखाती हूँ, जल्दी कर जल्दी कर। हाँ ये, देखो देखो ये क्या, ब्लड टेस्ट करते हैं ना। ए, तुझे कुछ पता भी है? ऐसे ही बन गई डॉक्टर कॉफी करके। हाँ आप कैसे ही जाना फैंसी ड्रेस।